अगर दोस्तों तो आपका स्वागत है मीनिंग्स ऑफ नेम यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी नाम का अर्थ जानना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का नाम जानते हैं। वो आज का नाम है दोस्तों, वो है शिवम। तो दोस्तों मैं बता दूँ, शिवम नाम के लड़कों पर जैसा मैंने रिसर्च कर रखा है, मैं उसके द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आप सबसे पहले शिवम नाम का मतलब जान लेते हैं। दोस्तों शिवम नाम का मतलब होता है दोस्तों, वो होता है शुभ, भगवान शिव, भाग्यशाली और सुंदर। ये होता है दोस्तों शिवम नाम का मतलब। बहुत अच्छा मतलब भी निकलता है दोस्तों शिवम नाम के लड़कों का, ये होता है शिवम नाम का मतलब। और दोस्तों सबसे जरूरी बात जान लेते हैं दोस्तों कि शिवम नाम का लड़का किस धर्म में आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो होता है हिंदू धर्म के लड़कों का नाम शिवम होता है। और दोस्तों ये शिवम लड़कों का नाम होता है। कई लोग कन्फ्यूज होते हैं तो मुझसे पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया शिवम लड़कों का नाम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो राशि की बात करें दोस्तों, तो राशि उनकी होती है, वो होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि होती है दोस्तों शिवम नाम के लड़कों का। और दोस्तों लकी नंबर के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो लकी नंबर होता है वो होता है 9, यानी 9 होता है दोस्तों लकी नंबर उनका होता है शिवम नाम के लड़कों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुभ रंग की बारे में बात कर ले दोस्तों, तो शुभ रंग होता है वो होता है हल्का नीला और वो एक बैंगनी होता है दोस्तों। ये होता है दो होता है दोस्तों लकी शुभ रंग होता है दोस्तों। और दोस्तों शुभ दिन की बात कर ले दोस्तों, तो शुभ दिन होता है वो होता है शनिवार। शनिवार को जैसे उनका कोई बिगड़ा हुआ काम है, तो बिगड़ा हुआ काम अगर वो शनिवार को करते हैं तो उनका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा दोस्तों, उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोस्तों शुभ पत्थर की बारे में बात कर ले दोस्तों, शुभ पत्थर है वो है नीलम रतन। और दोस्तों इस पत्थर का वो अंगूठी बनाकर अपने हाथ में पहन सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे जरूरी बात जान लेते हैं दोस्तों कि शिवम नाम के लड़का किन किन क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, होता है सेना, टेक्निकल, मेडिसिन के क्षेत्र में अपना वो करियर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप माँ बाप बनने वाले हैं तो आप अपने बच्चों का नाम शिवम रख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों शिवम बोलने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और सुनने में बहुत प्यारा सा नाम लगता है, और इसका मतलब भी बहुत प्यारा सा आता है दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।